आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूक्रेन विवाद को लेकर हलचल बढ़ी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश मंत्री के साथ की बैठक। बिहार में तेज प्रताप यादव ने बताया अपनी जान को खतरा, वाई कैटेगरी सुरक्षा की मांग की। कनाडा में आपातकाल लागू, शांतिपूर्ण ट्रक मार्च से घबराए पीएम, जस्टिन ट्रूडो ने उठाया कदम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले देश में महंगाई और बेरोजगारी के हालात विस्फोटक हो रहे हैं। यूपी में अब शुरू हुआ तीसरे चरण का रण, यादव लैंड में आज शाह और योगी की रैलियां, तो अवध में जोर लगा रहे अखिलेश। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर महोबा से है जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने चरखारी विधानसभा के कुलपहाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों माफियाओं को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। आगे उन्होंने कहा कि अगर जनता कमल का बटन दबाएगी तो क्षेत्र में खुशहाली पाएगी, और अगर जनता साइकिल का बटन दबाएगी तो उन्हें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को पैदा करने का रास्ता मिलेगा। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? समाप्तवादी पार्टी। और यहाँ ताकत मेरे यूपी की जनता के बीच में है। समाजवादी पार्टी माने अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री। बसपा माने भ्रष्टाचार, कांग्रेस माने तुष्टीकरण, या सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। महोबा की दोनों और बुंदेलखंड की 19 के साथ हम सब लोग उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीत रहे हैं। पूरा विश्वास है कि आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले श्री अखिलेश यादव जी की, मुझे जो अंदाजा है, मुझे जो फीडबैक है, उसके हिसाब से पहले चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि नई हवा और नई सपा है। देखिए, नई सपा नहीं, जिसके ये जो नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिनमें गुंडे अपराधी माफिया थे, वही गुंडे अपराधी माफिया हैं। इसे जनता ने तय किया है कि हम कमल का बटन दबाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाली पाएंगे, साइकिल के बटन दबाएंगे, एक अतीक अहमद, एक मुख्तार। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण का चुनावी घमासान तेज हो गया है। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील लोगों से की। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में बीजेपी के लोग ठंडे पड़ चुके हैं और बुंदेलखंड में मतदान के बाद बीजेपी के लोग सुन पड़ जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि बदहाली से खुशहाली की ओर जाने वाली चुनाव में लोग सपा को चुन रहे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री की अगर आज शक्ल देखी होगी तो आप पता लग जाएगा क्या हुआ है, और अगर शाम को देख लोगे, क्योंकि वोट पड़ चुका है दूसरे चरण का, ये दूसरे चरण का वोट पड़ चुका है। अगर अभी मोबाइल खोल करके टीवी खोल के देख लेना, उनकी शक्ल पे 12 बज गए हैं, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बताओ बिजली का बिल भेज करके आपको करंट मारा कि नहीं मारा? जब भी बिल आता होगा बिजली का तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? जहां 14 में, 17 में, 19 में बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है, ये डबल इंजन की सरकार जिसने हर एक को धोखा देने का काम किया है, इतना झूठ बोलने का काम किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस भारतीय।
कर्नाटक हिजाब मामले पर आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। इससे पहले सोमवार को जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। जस्टिस दीक्षित ने इस मामले को हाई कोर्ट के 3 जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। हाई कोर्ट में कहा कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। सोमवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि कॉलेज विकास समिति के पास वर्दी पर नियम बनाने के लिए कोई कानून वैधानिक आधार नहीं है। हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य अभ्यास है। सुनवाई के दौरान एक वकील ने मुद्दे पर मीडिया और सोशल मीडिया टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक आवेदन का उल्लेख करते हुए कहा कि क्योंकि अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से चुनाव तक मामले को स्थगित कर दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ये अनुरोध करता है तो ये अधिकारी तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। 2:30 बजे ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है और कई विवाद और टिप्पणियां भी सामने आ रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई शुरू होगी और इससे पहले सोमवार को जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। जस्टिस दीक्षित ने इस मामले को हाईकोर्ट के 3 जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। हाई कोर्ट में कहा गया कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। सोमवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामन ने कहा कि कॉलेज विकास समिति के पास वर्दी पर नियम बनाने के लिए कोई कानूनी वैधानिक आधार नहीं है। हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य अभ्यास है। सुनवाई के दौरान एक वकील ने मुद्दे पर मीडिया और सोशल मीडिया टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक आवेदन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि क्योंकि अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से चुनाव तक मामले को स्थगित कर दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ये अनुरोध करता है या कुछ अधिकारी तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने वाराणसी के शिवपुर से पार्टी प्रत्याशी अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान हुई अभद्रता की चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसके बाद अब पार्टी ने वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की है। राजभर की पार्टी ने निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए उचित सुरक्षा की मांग की है। चुनाव आयोग की लिखे पत्र में राजभर ने आरोप लगाया है कि वो और उनके वकील नामांकन के लिए शिवपुर के रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में जा रहे थे। इस दौरान कार्यालय के पास पहले से ही सैकड़ों लोग पुलिस की मौजूदगी में जमा थे। उनका आरोप है कि वहां मौजूद लोग उन्हें देखते ही भद्दी भद्दी टिप्पणी करने लगे और नारेबाजी करने लगे। पार्टी का कहना है कि प्रत्याशी ने शांतिपूर्ण अपना नामांकन दाखिल किया। इस घटना की जानकारी शिवपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को भी दी गई है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई कर असमर्थता जताई। खबर सोनभद्र से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन के तीसरे दिन घोरावल सीट से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के अनिल मौर्य, बसपा के मोहन सिंह कुशवाहा समेत कई पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं चारों विधानसभा के कुल 36 उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन दाखिल किए गए हैं। सिंह कुशवाहा, कहाँ से नामांकन आपने किया? घोरावल विधानसभा 400 से। मोहन जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं घोरावल से? हमारा जिला आदिवासी बाहुल्य इलाका है और मैं यहाँ गरीब आदिवासी जो बनवासी हैं, जो जिसके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज़ बन के मैं चाहता हूँ विधानसभा में जाऊँ और इनको जो भूखे नंगे लोग हैं, इनको हर लोगों को आवास, रोड और नाली, और सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बच्चों को शिक्षा पे सबसे ज़्यादा घात पहुंचा है। और मैं मेरा सोच है कि जो संपन्न लोग हैं उनके पास तो एंड्राइड फ़ोन है, मोबाइल है और भी संसाधने हैं कि वो लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जो यहाँ गरीब हैं जो नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जनपद में सोनभद्र में DMF का पैसा है। मैं हर गरीब व्यक्ति का, चाहे LKG से इंटर के बच्चों तक, हर लोगों तक मैं चाहता हूँ एंड्राइड फ़ोन यहाँ, क्योंकि खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा है सोनभद्र में। मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, जो अत्याचार हो रहा है और बेरोजगारी है।
यही दो मुद्दे हैं तो हाँ। रोजगार नहीं दे पाई है सरकार? कहाँ सरकार अगर दे पाई होती तो घरौल विधानसभा में जाकर देखिए आप लोग के सारे आदिवासी वनवासी समाज के जो लोग हैं अभी उनका कोई विकास नहीं हुआ, उनके बाल बच्चे नंगे झड़ंगे घूमते टहलते हैं देखने से ही। खबर प्रतापगढ़ से है जहां सदर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मौर्य ने क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी ने लोगों को सरकारी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य विधानसभा का विकास करना है और अगर उनको जनता का आशीर्वाद मिला तो पूरा जनपद विकास के नाम पर जाना जाएगा। खबर मथुरा से है जहां बीते दिनों दो अलग अलग जगह पर दो रोडवेज बसों में आग लग गई। जहां पहले नया बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज की बस में आग लगी तो वहीं पुराने बस स्टैंड पर एक अन्य रोडवेज बस में आग लग गई जिसमें एक युवक की मौत होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, बस जलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। भीषण आग लगी है और दो बसों में आग लगी जिसमें से एक में युवक की मौत हो गई। खबर हरदोई से है जहां चुनावों को भयमुक्त और सकुशल तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर एक्टिव है। इसी कड़ी में निर्वाचन अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ पॉलिटेक्निक तराहे और शाहबाद के बॉर्डर चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करते हुए गाड़ी में संदिग्ध कोई भी वस्तु बरामद होने पर वाहन स्वामी से पूछताछ की। खबर कानपुर से है जहां पर हिजाब मामले में न्यायालय पर विश्वास जताया गया है। रामलला पर न्यायालय के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जो न्यायालय का आदेश होगा वो जनता मानेगी। वहीं स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम नहीं होने के सवाल पर उमा भारती ने कहा कि मैं सुपरस्टार हूं। हमने पॉलिटिशियन से अपील की है इस विषय पर मत बोलिए, मीडिया से अपील की है इसको मत दिखाइए इस बात को, ठीक है? कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जहां रामलला विराजमान है वहां भव्य मंदिर का निर्माण होगा। पूरे देश ने उसको शांति के साथ सुना था और सबने उसको स्वीकार ही नहीं किया था। मुझे इस विषय पे बोलना नहीं और मुझे इस विषय पे सुनना भी नहीं। मैंने कहा ना जब सुनना ही नहीं है, मुझे सुनाई नहीं दिया मेरे को, आपने क्या बोला जी बताइए। और वो भी हमारे देश के वासी हैं, मैं उनके बीच में जाऊँगी, मुझे क्या दिक्कत है उसमें? उसके बाद दूसरी सवाल है, इस देश में सारे लोग एक ही, मैं राहुल की तरह थोड़ी कहूँगी कि एक देश में दो देश हैं, एक ही देश है, एक ही जन है, एक ही मन है, एक ही प्राण है। बस्ती में सपा उम्मीदवार हरैया विधानसभा से त्र्यंबक नाथ पाठक से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जा रहे हैं। अगर जनता इस विधानसभा से जीत दिलाती है तो सपा उम्मीदवार मुख्य तौर पर कौन से जरूरी काम करेंगे? आपको छोड़ के जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, देखिए हमारे संवाददाता से क्या कुछ बातचीत हुई है। हरमाबाग चकोही में और हमारे साथ जो है एक चर्चित चेहरे हैं जो हरैया विधानसभा क्षेत्र के माने जाते हैं, जिनका नाम है त्र्यंबक नाथ पाठक। लगातार 2002, 2007, 2017 में भी कई पार्टियों से लड़े और फिर अब इस समय 2022 विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर। तो हम इनसे बात करते हैं आखिर 2022 में किस तरीके से अगली पार्टियों के नेताओं को मात देते हुए जो है अपनी जीत दर्ज कराएंगे। तो सबसे पहले पाठक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अरे आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और किस तरीके से आप यहाँ अपनी जीत हासिल करेंगे? भैया एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में, ये माझा क्षेत्र है, बंधा नदी किनारा है, फसल बर्बाद हो जा रही है, सैकड़ों की संख्या में रात को जानवर आते हैं और आहार करके चले जाते हैं। सरकार तो कहती है तमाम गौशालाएं तमाम सब कुछ खुलवाए हुए नहीं हो पाता है। एक हमारे प्रधान जी हैं, नाम नहीं लेंगे, परशुरामपुर के, तो उन्होंने गौशाला बनवाया तो लोगों ने पूछा क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम स्लाटर हाउस बनवा रहे हैं, 50 जानवर 50 गायें वहाँ जाकर मर गई। आप बताइए 1 रुपया किलो भूसे का दाम सरकार देती है, 1 रुपया किलो, वो भी निश्चित है कितने ही किलो उसको खाना है। तो क्या माना जाए, मतलब ये जो गौशाला सरकार दावा करती है कि हमने तमाम गौशालाएं खोली, तो एक जमीनी स्तर पे खोखलापन है इसमें? नहीं, कहीं गौशाला आप देखे हों उसमें जानवर हो, उनके रहने की व्यवस्था हो,
उनको खाने की व्यवस्था हो, कहीं आप पूरे क्षेत्र में देख लीजिए तो बताइएगा, सबसे बड़ा मुद्दा क्षेत्र के लिए है। तो आपका इसकी बार चुनाव में क्या विजन रहेगा, किस तरीके से आप पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? पब्लिक को तो हमने अभी आकर्षित किया है, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी की महंगाई को बताया है कि इनकी क्या महंगाई है। ये फसल दुगना करने के लिए इन्होंने कहा था, तो कोई हमने पूछा लोगों से यहाँ पर किसानों से कि कोई एक आदमी इसमें बता दे जो सरकारी रेट पर गोदाम पर धान अपना बेच पाया है। तो सबने कहा भाई हमने आढ़तियों के यहाँ 11 रुपये में बेचा है, तो यही दुगना कर रहे हैं फसल लोग। अच्छा, जो वर्तमान के विधायक जी हैं वो तो तमाम अपने विकास कार्यों के मुद्दों को गिनाते के हर रही है, मैं आप तक जो किसी ने नहीं किया वो हमने इस सरकार में शासन काल में पिछले 4 से 5 सालों के अंदर किया, क्या मानते हैं उनका विकास कैसा रहा? हम तो उनका एक विकास देख रहे हैं जो इनकी 5 साल की विधायक निधि है, उसका केवल गेट लगवा दिए, लेकिन उस गेट से अगर 4 गरीब लोगों के छप्पर के जो मकान है कम से कम 10 लोगों के मकान बन जाते हैं, वह विकास था कि हम लोग गेट देख करके विकास मानते हैं। तो अब तक उन्होंने सिर्फ गेट बनवाने का ही काम किया है? नहीं, यही नहीं किया है, कम से कम 50-60 करोड़ रुपए का उनकी बिल्डिंग बन रही है लजगटा में, जिसने विकास को भी देख लिया। सही कह रहे हैं, जब से विधायक हुए तब से आप हमारे सांसद 14 में लोकप्रिय सांसद चुने गए और हमारे क्षेत्र में वही तक दिखाई नहीं पड़ा। सुनिए, तब क्या थे आप जाकर देख लीजिएगा, अब वो ब्राह्मण बन के ब्राह्मण गाँव में आकर के अजय सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, न सांसद ने किया, न विधायक ने किया, इस न इस सरकार ने किया, इस सरकार में केवल महंगाई बढ़ी है। अच्छा, इस देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों का, काफ़ी समय तक किसानों जो है दिल्ली बॉर्डर वहाँ पर धरनारत रहे और बाद में सरकार बैकफुट पे आई और किसान बिल को वापसी लिया, तो क्या मानते हैं कि अब की बार किसान सपा की तरफ आपकी पार्टी की तरफ रुझान अपना दे रहे हैं? देखिए, किसानों की जो समस्या थी सरकार ने क्यों वापस ले लिया, बहुत अच्छा कानून उन्होंने बनाया था कि बहुत अच्छा कानून है, वापस क्यों ले लिया? लेकिन हमारी सरकार ने जो हमारे घोषणा पत्र में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकार बनने के बाद MSP लागू करेंगे। MSP मतलब ये कानून जब बन जाएगा, अभी हमने बोला है इसमें अगर 20 रुपया सरकार की रेट तय है तो उससे नीचे कोई आढ़तिया कोई बनिया नहीं ले पाएगा ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, यहीं अभी आप लोग थे वहाँ पर, गन्ने का मुद्दा था, तमाम लोग से उसका आज तक पैसा नहीं मिला, ये हमारी पार्टी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है सरकार बनते हुए 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान हम करा देंगे, उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी हम करेंगे। अच्छा, इस विधानसभा क्षेत्र में देखा जाता है कि ब्राह्मण और दलित वोट कहीं ना कहीं निर्णायक की भूमिका निभाते हैं, तो क्या मानते हैं वोटरों को, कैसे आप अपनी तरफ अपनी पार्टी की तरफ करेंगे? नहीं, जातिगत बात तो नहीं करेंगे आपसे, ब्राह्मण है ये सही है, जिससे दारियाँ होंगी ब्राह्मण में होंगी, लेकिन हम सर्व समाज की बात करते हैं, गरीब अमीर सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, इसमें देख लीजिए सब ब्राह्मण नहीं है ना, सब दलित है, वो दलित तो भटक गया, पार्टी टूट गई ना, वो बसपा खत्म हो गई, दलित तो भाग रहा है, चाहे सपा में जाए, चाहे भाजपा में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, वो तो खत्म है, उनका मुद्दा खत्म है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी 15 साल राज किया है, बैक कर दिया लोगों ने, हरिया के लोग चुनाव देखा जाए जिस तरीके से चरम पे है, आज ही आपकी पार्टी में कई लोग सैकड़ों समर्थकों के साथ जो है धोली के पूर्व चेयरमैन समेत और कई लोगों ने जो है सपा का दामन थामा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा को कड़ी टक्कर मिलेगी इससे? आप देख लीजिएगा, ये काउंटिंग के बाद इस बात को नोट कीजिए, 58 सीटों का चुनाव हुआ है, उसमें 50 सीट जीत रही है समाजवादी पार्टी, पिछले बार तो कुछ नहीं था ना, ये एक चरण का चुनाव हुआ है, निश्चित रूप से सरकार बहुमत से बनने जा रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके घोषणा पत्र पर 12 से 17 तक 2 साल बाद में उन्होंने विकास शुरू किया जो आज दिखाई पड़ रहा है, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट आधारशिला उनका रखा हुआ था, पूर्वांचल के लिए उन्होंने बजट अलाउट किया था जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, चाहे आप लखनऊ में जो मेट्रो चल रही है, अखिलेश जी की देन है, इन्होंने कुछ नहीं किया, जिन योजनाओं को लागू किया था, जिस पर बजट दे दिया था, 2-3 साल तक तो ये लोग उसी पर काम करते रहे। अभी हमारे यहाँ तमाम सड़कें, आप पटकापुर से कोहराई ले लीजिए, सपा सरकार में शुरू हुई थी और पत्थर तोड़वा करके
हरीश जी सांसद विधायक जी उस पर पत्थर लगवाए हैं। तो आप देखिए, अभी हमने बात किया जो हरैया विधानसभा क्षेत्र के इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं सपा प्रत्याशी के रूप में त्र्यंबकनाथ पाठक जी से, और इन्होंने बताया कि अगर मेरी सरकार बनती है, जनता यहाँ से हमको जीत दिलाती है, तो जो भी जुमलेबाजी जनता के साथ धोखा किया गया है हम धोखा देने का काम नहीं करेंगे। कहीं न कहीं किसानों के हित से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य तमाम ऐसे मुद्दे हैं जुड़े जिन पे हम कार्य करेंगे। निश्चित तौर पे इस विधानसभा को हम आगे की तरफ उन्मुख करेंगे। तो कैमरामैन अतुल कुमार के साथ रजनीश पांडे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।